मोदी जी कितनी देर लगेगी इस मटका बिरयानी को तैयार होने में? आज आपने घर से भी रोटी नहीं लाने दी, आपने बोला यही खेत पे ही मटके में मटका बिरयानी बनाएंगे। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की मटका बिरयानी नहीं खाई है। लेकिन मोदी जी कम से कम बैठे 2 घंटे हो गए, अभी तक आपकी मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो कब से प्लेट लेके बैठा हूँ। राहुल सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मोदी जी ये कोई फल थोड़ी है, ये तो बिरयानी है, ये मीठी कहाँ होगी, ये तो बड़ा चटपटी बनाई होगी आपने। राहुल जब भी बोलोगे तुम बोलोगे उल्टा ही, कहने का ये मतलब है थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो थोड़ी देर। इस बिरयानी को जैसे हल्के हल्के बनने में वक्त लग रहा है, वैसी खाने में मजा भी आएगा। बस 2 घंटे का इंतजार और कर लूं। मोदी जी कैसी उल्टी बात कर रहे हो, 2 घंटे का इंतजार करने को कह रहे हो, 2 घंटे में तो ये मटका गर्म होके फट जाएगा। इस मटके के नीचे इतनी देर से आप आग जला रहे हो, अभी तक ये मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। वैसे मोदी जी अपना लोग खेत पर मेहनत करते हैं और हमेशा खेत पर ही भोजन ला के खाते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपको मटका बिरयानी बनाने का मन करता है तो आप खेत पर ही मटका बिरयानी बना लेते हो और आपकी मटका बिरयानी खा के ऐसा लगता है उंगली चाटते रहो। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये मटका बिरयानी बनाते किस तरीके से हो, इसको बनाने की विधि मुझे बता दो। राहुल ये मटका बिरयानी किस तरीके से बनती है ये तो मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा। तुम खाने से मतलब रखो और यहाँ पर बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे हो। जब तक मटका बिरयानी तैयार हो रही है खेत को चारों तरफ घुमाओ, कहीं जानवर आके खेत को ना खा जाएं। जाओ देख के आओ। मोदी जी जानवर भले ही आज खेतों को खा जाएं, लेकिन जब तक मैं आपके हाथ की बनी हुई मटका बिरयानी नहीं खा लूंगा तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो राहुल एक काम करो, इस मटके के नीचे जो मैं लकड़ी जला रहा था वो सूखी लकड़ी खत्म हो गई, जाके 2-4 सूखी लकड़ी ले आओ, नहीं तो ये मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। जाओ जल्दी लाओ, आग बुझने वाली है। मोदी जी हर चीज मैं ही लेके आऊं, चावल भी मैं लेके आया, ये मटका भी मैं खरीद के लेके आया और मटर भी मैं लेके आया। आपका काम सिर्फ मटका बिरयानी बनाने का है और लकड़ी भी मैं ही लेके आऊं क्या? राहुल अगर खेत पे मटका बिरयानी खाना है तो लकड़ी तो लाना पड़ेगी, नहीं तो मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।